पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, इस धमाके में 25 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास ये बम धमाका हुआ है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी, उससे पहले ये फिदायीन हमला, इसे बताया जा रहा है। और धमाका रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के पास हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। और इस हमले के बाद की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से खचाखच भरा हुआ है रेलवे का प्लेटफॉर्म। लोगों की आवाजाही वहां लगी हुई है और अचानक से धमाका होता है। इस धमाके के बाद अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और इस हमले के होने के बाद शुरुआती जांच में ये पता नहीं चला था कि हमला किस वजह से हुआ है, लेकिन अब हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ले ली है। BLA के प्रवक्ता जियान बलूच ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस हमले के बारे में जानकारी दी है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदायीन हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट पर एक फिदायीन हमला किया गया, जब वो इन्फेंट्री स्कूल में एक कोर्स पूरा करने के बाद जाफर एक्सप्रेस से लौट रहे थे। हमले को BLA की माजिद ब्रिगेड फिदायीन यूनिट ने अंजाम दिया।